जी बिल्कुल ऐसे जैसे वो एक शेर है ना उनका, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है। बड़ा अच्छा शेर सुनाया और अब एक अच्छा सा सॉन्ग भी आना चाहिए। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, कुछ और सुनाइए। दिल न जलाना बहरवा, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम फन और वकील जस्ट वन टीवी और मैं आपकी होस्ट एडवोकेट नरगिस नाहिद। नाज़रीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हमारे यंगर ब्रदर और बहुत माशाल्लाह टैलेंटेड एडवोकेट जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से एलएलबी किया और फिर उसके बाद अब वो एलएलएम इंग्लैंड से कर रहे हैं, आए हुए थे और मैंने जब देखा, क्योंकि वो हमारे प्रोग्राम देखते रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैडम मैं भी इस प्रोग्राम में आना चाहता हूं, तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम, बिस्मिल्लाह। ये तो बेटा सारा ये जो है ये सारा आपके लिए ही, तो ये जस्ट वन टीवी जो है हमने बनाया हुआ है कि वकीला की आवाज़ जो है वो किसी भी सूरत अपने दोस्तों तक पहुंचे और हम आपकी खूबसूरत शायरी लोगों के साथ शेयर करें, हम आपकी अच्छी सिंगिंग लोगों के साथ शेयर करें। बहुत अच्छा गाना गाते हैं, शेरों का बड़ा अच्छा ज़ौक है और हमारे साथ जनाब मौजूद हैं अली शेर पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच बेटा, वेलकम। आप यहाँ पे आए और आपने आपका थोड़ा सा ही टाइम था, आपने वापस भी इंग्लैंड जाना हाँ था, लेकिन क्योंकि आप बारह जस्ट वन देखते हैं और आपका ख्याल था कि आपको भी इस प्रोग्राम में आना चाहिए, तो मोस्ट वेलकम बिस्मिल्लाह। हमें तो बड़ी खुशी होती है बल्कि, और मैं तो अक्सर इस प्रोग्राम के हवाले से अपने दोस्तों को कहती रहती हूँ कि भाई पाकिस्तान के किसी शहर से भी आप हैं, क्योंकि हम तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के सारे शहरों जिंदा रहो पाइंदा रहो, रोशनी और रंगों की लहरों जिंदा रहो पाइंदा रहो, तो पाकिस्तान के सारे शहर हमें बहुत प्यारे हैं, बहुत अजीज़ हैं, और अगर आप यहाँ पे तशरीफ़ लाएंगे और इस प्रोग्राम में आपकी शिरकत होगी तो वो हमारे लिए बहुत ही, मैं समझती हूँ, प्लेजेंट एक मोमेंट होगे। तो आप आए हैं तो थैंक यू वेरी मच। अच्छा, थोड़ा सा आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपने एलएलबी यहाँ से किया जी, पंजाब यूनिवर्सिटी से, फिर आपने एलएलएम यहाँ से क्यों नहीं प्रेफर किया, आपने वो जाके इंग्लैंड से किया, इसकी क्या रीज़न? एक्चुअली इसके पीछे मतलब समझ लें कि मेरे एक चाचू हैं, वो मुझसे बड़े हैं, वो पीएचडी करके आए, तो वो मेरी इंस्पिरेशन थे, आइडियल थे, उनकी जो पर्सनालिटी में मैंने ग्रूमिंग देखी है बाहर से आने के बाद, और तो उससे मैं बड़ा इंस्पायर हुआ। तो मेरा अल्टीमेट जो गोल था वो बार एट लॉ का है बेसिकली। अच्छा अच्छा। तो मैं फिर ये समझ लें कि कड़ी है बार एट लॉ की, तो उसके लिए फिर मैंने एलएलएम बाहर से करना ज़्यादा मुनासिब समझा। मेरे घर वालों को भी शौक था, पेरेंट्स को, कि हमारा बेटा बाहर जाए पढ़े। ये तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन हाँ ये ग्रूमिंग की जहाँ तक आपने बात की, पता उसकी रीज़न क्या है? वहाँ पे लोग ना बड़ा अपने आप को बड़ा ना ऑर्गेनाइज्ड जी बिल्कुल ऐसे बना देते हैं जी, मगर यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं अपने मुल्क में ना। मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि पाकिस्तान जैसा तो कुछ भी नहीं, कहीं भी नहीं, लेकिन यहाँ पे हम लोग जरा रिलैक्स हो जाते हैं। हाँ जी, अपने टाइम से उठ रहे हैं, अपने टाइम से सो रहे हैं, जी चाह रहा तो कुछ खा पी रहे हैं, फिर रहे हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे आपने बिल्कुल कैलकुलेटेड सी लाइफ है, उसको आपने लेके चलना है। और फिर लोग ये समझते हैं वहाँ से आने वाले लोगों को कि मतलब दे आर वेरी वेल ग्रूम्ड, हालांकि बात इतनी सी कि अगर हम ये ग्रूमिंग यहाँ भी कर सकते चाहे तो कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बस अब रिलैक्स हो जाते हैं जैसे अपने घर में रिलैक्स होते हैं, अपने पाकिस्तान में रिलैक्स होते हैं। अच्छा चले, ये बड़ी अच्छी बात है कि चले आप वहाँ पे कर रहे हैं, और माशाल्लाह विश यू ऑल द बेस्ट कि आप बैरेट लॉ भी वहाँ से करें, और फिर क्या ख्याल है कि वहीं पे रहेंगे, पाकिस्तान में आएंगे? नहीं नहीं, मैं इंशाल्लाह अपने पाकिस्तान को ही सर्व करूँगा। ओह वेरी नाइस। मेरा मोटिव है और मैं बहुत ज़्यादा इस फील्ड में, मेरा आने का मकसद ही लोगों की मदद करना। हाँ। और सिर्फ कि मैं जो इंसाफ है वो लोगों तक पहुंच सके, मेरी बदौलत किसी का भला हो, तो इसलिए मैं उधर पढ़ भी रहा हूँ, सारी मुशक्कतें हर चीज़ बर्दाश्त कर रहा हूँ घर से जुदाई, ताकि मैं कुछ बन के वापस आके यहाँ पे वहाँ की खिदमत कर सकूँ। वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप बेशक आप वहाँ पे पढ़ें लेकिन अपने मुल्क को आके सर्व करें। अच्छा, एक और बड़ी मज़े की बात है कि आप वहाँ पे एलएलएम कर रहे हैं, लॉ के साथ आपका ताल्लुक है और आपका म्यूज़िक के साथ बड़ा लगाव है, इसकी क्या रीज़न है? इसके पीछे भी बहुत एक मज़ेदार बात है। आप भी, क्योंकि म्यूज़िक मैं समझता हूँ एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप किसी से जो वाकई ही म्यूज़िक को समझता है
तो ये आपको आप फील करते हैं इस चीज़ को बकायदा तौर पे, और कोई भी इंसान कभी भी ये नहीं कह सकता कि मुझे कौन सा म्यूजिक पसंद है, हाँ। क्योंकि मेरा सोचना है कि ये डिपेंड करता है आपके मूड पे, मूड पे, आपकी फीलिंग्स पे, हाँ। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, और बड़े बड़े नाम हुए हैं इसमें। तो मैं बचपन से मुझे अच्छा लगता था क्लासिकल म्यूजिक, आजकल जैसे लड़के वगैरह जो नया म्यूजिक आ गया काफी, मैं वो नहीं सुनता, मैं पुराना म्यूजिक सुनता हूँ, और उस वजह से बड़े मजाक और दोस्त भी कहते हैं कि तुम क्या पुरानी रूह हो, पुराना गाने सुनते हो। हालांकि जो ब्यूटी उन गानों में है, जो खूबसूरती उस म्यूजिक में, क्या बात, क्योंकि म्यूजिक आप देखें, कहते हैं कि म्यूजिक रूह की गजा है, बिल्कुल ऐसा, तो ये फिर रूह की गजा तो वो तो बदहजमी होने वाला। हाँ जी बिल्कुल ऐसा, आपको समझ ही नहीं आ रही है हो क्या रहा है, ना बोल की समझ आ रही है, ना आपको, बस एक एक ड्रम बज रहा है धड़ धड़, ठीक है जी, उसमें एक शोर शराबा हो रहा है, बिल्कुल ऐसे कोई पता नहीं चल रहा है। अच्छा तो पहले हमें क्या सुनाएंगे आप? मैं सबसे पहले आपको तो एक इकबाल साहब का शेर है, तो अच्छा, मैं अच्छा। वो आपको सुनाना पसंद करूंगा, क्योंकि और मैं अपने इस, अच्छा यानी पोइट्स भी आप इकबाल साहब को आप उन्हें लाइक करते हैं, वो इंस्पायरेशन है आपकी, जैसे एज यूजुअल हमारे सारे हमारे दोस्तों की, और हमारे स्पेशली हमारे न्यू कमर्स जो मेल फीमेल हैं वो उन्हें बहुत, क्योंकि उन्होंने लिखा इसलिए है ना, आप देखिए स्कूलों में आप देखिए कि हम सारी जिंदगी लप्पी आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, वो पढ़ते रहे, और कितनी खूबसूरती आप देखिए उस पूरी दुआ में, कितनी खूबसूरती, क्या बात है, क्या बात, एक लप्पी एक आती है, हाँ एक एक लफ्ज आप देखिए उसमें एक मैसेज है, लप्पी आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, बिल्कुल, और वो अगर पूरा आप पढ़े तो आप देखेंगे एक एक लफ्ज में कितनी ब्यूटी, बिल्कुल ऐसी, इनका अगर तर्जमा हम करने बैठ जाए तो पता नहीं कितनी किताबें बन जाए, ये एक उनकी ये जो नज़म है इसे ही, सही क्या, तो उन्होंने इकबाल साहब का बहुत बड़ा रुतबा है क्योंकि वो भी एक बैरिस्टर थे, तो ये तो हमारा तो बड़ी कंट्रीब्यूशन है भाई इस पाकिस्तान में, ये वकीलों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है जी, बिल्कुल ऐसी, जैसे वो एक शेर है ना उनका, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साथ, वाह 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 वाह, तो अगर आप इसका मतलब देखें तो हम हर स्टूडेंट को, हर नई जनरेशन का जो यंग लॉयर्स हैं, हाँ। उनको समझना चाहिए कि हाँ। आज से वो 100 साल पहले वो बातें कर गए हैं, हाँ। कि जिनकी आज भी हमें जरूरत, आज है। भी हमें जरूरत है, और आज वो उनका इम्प्लीमेंटेशन अब भी होता है जी, बिल्कुल, कि आप देखिए जरा सी बड़ी जरखेज है, वो कह रहे मिट्टी जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है, साकी साकी कहते हैं पानी पिलाने डालने वाले, कि भाई ऐसी बात नहीं है, बस तुम जरा सी मिट्टी को नम करो और देखो फिर कितनी जखेज है, और ये आप जैसे होनहार स्टूडेंट्स के लिए ही ये बात की गई, बिल्कुल ऐसी, कि वो नाउमीद नहीं है, और अब भी आप देखें कि हम सब नाउमीद नहीं है, अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत तरक्की दे, और हमारी अपनी माशाल्लाह जो न्यू जनरेशन आ रही है उसको मैं देखती हूँ कि वो देखें वो बल्कि बहुत ज़्यादा उनका आईक्यू लेवल है, हाँ जी देखिए ना वो इंटर आप इंटरनेट की वो बच्चे पैदावार हैं, और वो कुछ उस पर अल्लाह करे वो पॉजिटिव ही सारा कुछ कर रहे हो, लेकिन आप देखें कि उनका जहन आई लेवल आईक्यू लेवल कितना ज़्यादा है, जी बिल्कुल ऐसे, उनके सामने अब कोई काम कर लें वो फौरन से आपको कॉपी करेंगे, समझेंगे चीज़ों को, तो चलें सुनाइए प्लीज़ कोई, अब कोई सॉन्ग सुनाइए जो आपका एक शौक है, बड़ी खूबसूरत आपने एक बड़ा अच्छा शेर सुनाया, और अब एक अच्छा सा सॉन्ग भी आना चाहिए। मैं एक वो मेहदी हसन साहब की गजल है, मुझे बहुत वो अच्छी लगती है, हाँ, तो वो मैं थोड़ी सी आपको गुनगुना के कहता हूँ, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आ, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिश ही सही। ओ वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत खूबसूरत और बड़ा बड़ी ये मुश्किल गज़ल है, अहमद फराज की गज़ल है, और मेहंदी असर ने आप देखो कितने रचाओं से इसको गाया है, और आपने भी नहीं बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं, ये एक समझ ले के ना आज तक कभी सीखा है,
और हाँ जी किसी से नहीं कभी सीखा ना, हालांकि मैं फॉर्बन क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी से मैंने अपना इंटरमीडिएट किया है, तो वहाँ पे म्यूजिक सोसाइटीज वगैरह भी होती हैं काफ़ी ज़्यादा, सो आई नेवर यूज टू गो देयर इन म्यूजिक सोसाइटी इवन, लेकिन ये अल्लाह ताला की तरफ से एक है दिल में बस गा लेते हैं, इस वजह से भी थोड़ा सूफिज्म की तरफ भी मेरा बड़ा एक अच्छा, लगाव है, तो मैं उनको भी बहुत लाइक करता हूँ। तो ये तो एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, आपने बस मौका नहीं, दिया लेकिन कोई बात नहीं भैया, ये आपका अपना फोरम है, ये आपका अपना प्रोग्राम है, तो मुझे खुशी है कि आप यहाँ पे यहाँ बैठे हैं और हम आपकी बड़ी खूबसूरत म्यूजिक अच्छी बातें हम इंस्पायरेशन है आप हमारी न्यू जनरेशन के लिए, तो चलें आप सुनाइए कुछ और सुनाइए। हाँ जी मैं इवन एक दिन भी सीखा नहीं है कभी नहीं मतलब। अच्छा हाँ जी चलें, तो ये तो वैसे गुनगुनाने का एक शौक। एक वो सिंगर थे हमारे बड़ा मशहूर हुआ था, वो पाकिस्तान इंडिया में इंडियन आइडल में भी थे, मानत अली, वहाँ से फिर जब वो विन करके आए इधर तो इधर आके उन्होंने फिर एक वो गाना था उन्होंने पढ़ा था क्लासिकल का गाया था, लेकिन किसी ने उनको इतनी मुझे इस वजह से थोड़ा दुख भी होता है, वो था बेनती करत हूँ पैया पड़त हूँ, बेनती करत हूँ पैया पड़त हूँ, दिल ना जलाना बहरवा दूर ना जाना बहरवा, कब आओगे साजन प्यारे, रतियां कटत मोहे गिन गिन तारे, बेनती करत हूँ पैया पड़त हूँ, बेनती करत हूँ। वाह वाह भाई माशाल्लाह बड़ा सुर है, कमाल है, बस थोड़ा सा आप सीख ले, वैसे मैं शाम 84 गाने का मुकाबला करेंगे नहीं बस टाइम ही नहीं मिलता उधर तो बिल्कुल ही, आपको पता है हाँ वहाँ तो थोड़ा सा वाकई बड़ी कैलकुलेटेड सी लाइफ होती है। अच्छा चलिए और क्या सुनाएंगे, मेरा ख्याल आपसे आपकी इतनी अच्छी आवाज़ और इतना अच्छा अंदाज है कि बातें बातें करते हैं लेकिन कुछ सुनते भी हैं। अच्छा एक चीज़ मैंने आपसे ज़रूर पूछनी थी, आपका आपका ताल्लुक है बड़ा उस फैमिली बैकग्राउंड से जिनमें से ज्यादातर लोग पुलिस में हैं, आपके फादर खुद इंस्पेक्टर हैं, आपके चचा आपके और रिलेटिव, तो पुलिस में आप क्यों नहीं गए, क्या रीजन थी, आपके फादर पुलिस में थे उनकी ख्वाहिश होगी मेरा बेटा भी आके पुलिस में आए, और तो क्यों नहीं आप पुलिस में क्यों गए, वैसे तो मैं समझती हूँ कि वकालत भी साथ बहुत रिलेट करता है ना। हाँ जी आप देखिए ना कि बहुत रिलेट करता है, ये इनका चोली दमन का साथ है, दोनों के बगैर ही हमारा मुआशरा नहीं चल सकता, नहीं चल सकता, दोनों एक ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जो एक मुआशरे को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, कि अगर पुलिस नहीं है तो फिर भी काम नहीं चलेगा, और अगर वकला नहीं है हम नहीं है तो फिर फिर तो बिल्कुल ही नहीं, कहीं ना कहीं कोई मसला होगा नहीं चलेगा फिर तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा भाई, ना अदालतों का चलेगा ना ही पुलिस का चलेगा, किसी का भी नहीं चलेगा। अच्छा चले आप ये बताइए कि आप क्यों नहीं पुलिस में गए। मैंने एक्चुअली पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम भी मैंने पास किया, माशाल्लाह वेरी नाइस भाई, मुझे तो यूं लग रहा है कि जैसे मैट्रिक के बाद आप लॉ करके सामने बैठे इतने बच्चे से स्मार्ट से, वेरी नाइस बेटा वेरी नाइस वेरी नाइस, उनकी वो और तरक्की, थैंक यू सो मच। उनकी मैंने जब अपने वालदैन की और अपने स्पेशली वालिद की अपने चाचों की स्ट्रगल देखी कि उन्होंने कैसे मतलब खुद की एक सारी जिंदगी को उन्होंने सेक्रीफाई करके अपने बच्चों की खुशियां सेक्रीफाई की है, और उन्होंने इस कॉम को इस नेशन को सर्व किया है, ठीक है, और उनका वो जो एक फिर जिस तरह लोग उनको फीडबैक देते थे उनकी रिस्पेक्ट करते थे, बड़ी एक मेरे दिल में होता था कि मैं भी किसी ऐसे अदारे से या किसी ऐसी मतलब चीज से मुतलिक हूँ जिससे लोगों का इंसाफ बसता हो, जिससे लोगों को हम कुछ प्रोवाइड उनके राइट्स दिलवा सके। देखिए हमारा वो डिपार्टमेंट है जिससे लोगों का डायरेक्ट वास्ता, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि वकील जो एक ऐसी चीज है कि जब इंसान को कुछ नजर नहीं ना आता, और जब इंसान को कुछ नहीं नजर आता और जब कोई बंदा उसे मिलता है ना, वो उसके लिए फरिश्ते से कम नहीं होता, मैं समझता हूँ, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है, मैं बाहर मेरा एक्सपीरियंस है कि जब हमें कुछ नहीं नजर आता लेकिन जो आके हमें पूछता ना कि मैं आपका ये कर दूँ, वो फरिश्ते से कम नहीं होता। और वकील का रुतबा ऐसा है कि जब कोई चीज़ नज़र नहीं आती, जब वो हर तरफ से दुदकारा जाता है, उसके राइट्स इन्फ्रिंज्ड कर दिए जाते हैं,
लेकिन जब वो फिर आता है और कोई अच्छा वकील सच्चा उसकी मदद हाँ, करता है तो ये अल्लाह पाक के नज़दीक भी और ये बड़ा नोबल प्रोफेशन है। लेकिन आप ये देखें ना, आप ये देखें पाशा साहब के वकालत से इससे बड़ी क्रेडिबिलिटी क्या होगी यार कि अल्लाह के नाम पे ये प्रोफेशन है। अल वकील तो अल्लाह का सिफाती नाम है ना, और उसका मतलब है कारसाज, मदद करने वाला। मदद और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ताल्लुक है वो इसी पेशे के साथ ताल्लुक है और हमें उसके प्रोटोकॉल का बहरहाल ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। तो इसलिए मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं यही शोबा मतलब करूँगा अपने लिए, मुझसे करूँगा, तो उसी की बदौलत ही फिर। और आप ये बता रहे थे कि फादर क्योंकि वो हमेशा बड़े मसरूफ रहते थे और हमें प्रॉपर टाइम भी नहीं दे सकते थे। हाँ जी, वो बहुत ज्यादा इवन के ईद वाले दिन वो सब लोगों को नमाज पढ़ा के फिर वो घर आते थे और उन्होंने रात को अगर 2 बजे पीछे से कॉल आ गई है तो उन्होंने उसी टाइम उठ के जाना, उन्होंने देखना कोई बच्चा बीमार है, कोई शादी है, कोई बल्कि ही वॉज वेरी सिंसियर टू हिज ड्यूटी। अच्छा, उन्होंने हमेशा बहुत अच्छे तरीके से अपनी मतलब ड्यूटी की है। मेरे चाचू हैं, उन्होंने भी, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। तो इसी वजह से फिर उन्होंने भी मुझे आगे से बड़ा ये इनकरेज किया कि आप बेटा ये मतलब लॉ की फील्ड में आप जाएं। अच्छा चलिए, और क्या सुनाएंगे अब आप? मैं उधर भी तो आते हैं ना। मैं आपको कुछ सुनाता हूँ, ये मेहदी हसन साहब का ही कुछ मैं आपको एक वो छोटी सी 2-3 अशआर हैं इल्लामा इकबाल के, वो मैं आपकी नज़र करना चाहूँगा। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। वाह क्या बात। ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को कि मैं आपका सामना चाहता हूँ। वाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया लिया आपने, बहुत खूबसूरत इसको ये पढ़ा। तो और आपके क्या शौक हैं? बस यही म्यूजिक है, शायरी पढ़ते हैं, हिस्ट्री है, हाँ उसके बस, लिए कोई डॉक्यूमेंट्री मूवीज देखते हैं और पढ़ते हैं बस। हाँ जी, और मैं ये ज्यादा मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसी चीजें देखूं जो लॉ के रिलेटेड हो और मुझे इसमें भी फायदा दे। वो तो हमारा जाहिर एक प्रोफेशन है, उसे तो हमें आगे लेके चलना है। अच्छा, अब बल्कि नाज़रीन आपको भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि 11 तारीख को 11 दिसंबर को 3 बजे लाहौर बार एसोसिएशन ऐवानिया दल, उसमें प्रोग्राम करवा रही हूँ, कल्चर शो है एक। बड़े दोस्तों का था कि हम कोई कल्चर शो करवाएं जिसमें इन द ऑर्डर ऑफ ऑल मेंबर बार। आप उसकी चेयरपर्सन? हाँ, मैं उसकी चेयरपर्सन हूँ। हाँ, थैंक यू वेरी मच। तो उसमें ये है कि ऑल मेंबर्स बार, वो किसी बार के भी हो सकते हैं, मोस्ट वेलकम, हमारे लिए वो काबिल एहतराम है, वो कहीं से किसी बार से किसी शहर से भी आएँ जी। बिस्मिल्लाह, प्रोग्राम जो है वो आप सबके ऑनर में ही प्रोग्राम है। और मेरा ख्याल था, मैंने कहा ये दिसंबर है वैसे भी, हाँ जी। तो वैसे भी दिसंबर का है ना, उसे कहना दिसंबर आ गया है। हाँ। तो मैंने कहा था, मैंने कहा इसका नाम रखते वेलकम टू स्टनिंग दिसंबर। तो मैंने कहा इस हवाले से आप भी आइए, अगर आप यहाँ मौजूद रहे तो। बुध को है, खैर ये हाँ जी, बुध को 3 बजे 11 दिसंबर लाहौर बार एसोसिएशन ऐवानिया दल, उसमें आप भी तशरीफ लाइएगा और वहाँ पे भी अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कीजिएगा। और आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप इस प्रोग्राम में आए और आपने, आप यकीन कीजिए, इस प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए। और मैं आखिर पे सॉरी आपकी हाँ, एक बात कहना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म के बारे में कि मैंने जब ये फर्स्ट टाइम इस टीवी को देखा तो मैं लिटरली यकीन करें मैं बहुत ही मुतासर हुआ। वेरी नाइस, कि मैं नहीं देखता कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा और टीवी है जो मत के वॉलंटियर भी है। हाँ, वॉलंटियर, और वो वॉलंटियरली ऐसा काम कर रहा है कि जो आजकल के लोग नहीं करते, अपनी मसरूफियात से वो टाइम नहीं निकालते। सही बात। और खास तौर पे वकील का वक्त ही उसके पैसे होते हैं और वो ही समझ लेके, और आप जिस तरह इसमें कर रही हैं काम और दूसरे जरा, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है यंग जनरेशन के लिए भी। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने हम लोगों को इम्पोर्टेंस दी और आप हमारे लिए। शुक्रिया, नहीं नहीं, आप लोगों के लिए है बेटा ये प्रोग्राम है। यहाँ दूसरे और भी लॉ से रिलेटेड बहुत प्रोग्राम होते रहते हैं और मैं समझती हूँ कि ये बहुत एक एक्सक्लूसिवली जो लॉयर्स की आवाज़ है वो इस फोरम से आगे जाती है। जी बिल्कुल, और ये वाकया ही एक बहुत एक मोहब्बत है वकीलों से, एक प्रैक्टिकल मोहब्बत है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखिए ना, सिर्फ कोई एक लिप सर्विस नहीं है। हाँ, आप जवानी कलामी बात नहीं कर रहे, वो प्रैक्टिकल आप उसका
आप उसका प्रैक्टिकल शो कर रहे हैं अपने रहे हैं कि ठीक है जी दोस्तों से मोहब्बत है, और जब आप लोग देखते हैं आपको अच्छा लगता है तो आप यकीन कीजिए हमें लगता है हमारी मेहनत वसूल हो गई और वाकई ठीक है। जिन लोगों के लिए बनाया गया था जब वो देखते हैं पसंद करते हैं तो फिर ये बड़ी खुशी की बात है। बिल्कुल ऐसे ही। तो आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपकी अच्छी सेहत लंबी ज़िंदगी के लिए हमेशा मैं दुआगो रहूँगी। आप हमारे भाई छोटे हैं और माशाल्लाह बहुत प्रॉमिसिंग, अल्लाह आपको बहुत बड़ा लॉयर बनाए। और फिर भी आप इस प्रोग्राम में आए हैं ये जी, बिस्मिल्लाह। आप जब भी आप पाकिस्तान आया करें ये फोरम आपके लिए है, आप बिल्कुल रब्ता करें और आप आ सकते हैं जी। थैंक यू। बल्कि वहाँ पर भी आप इसे देखें, दोस्तों को दिखाएं, दोस्तों बताएं सबको। तो नाज़रीन, आज का हमारा ये खूबसूरत प्रोग्राम अली पाशा के साथ था, बड़ा प्यारा। उन्होंने आपको गुनगुना के भी सुनाया, अच्छी शायरी भी सुनाई और खूबसूरत बातें भी बताई। और यंग लॉयर्स के लिए ये बड़ी इंस्पायरेशन है, ऐसे हमारे यंग लॉयर्स जो के पढ़ते हैं और आगे जाते हैं, और हमारी इनके लिए बड़ी दुआएं हैं, आप सब के लिए भी बहुत दुआएं हैं। और जनाब, फिर वही छोटी सी बात है, अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का ख्याल रखिए, उन्हें अपना होने का एहसास दिलाइए। वो एहसास क्या है कि उनकी छोटी छोटी जो सफरिंग है उनमें आप कोशिश करें कि उसको किसी हद तक तो उसे कम करें। जी बिल्कुल। आप जितना कर सकते हैं आप उतना तो करें ना, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें यार। आपकी नियत अच्छी होनी चाहिए बस। अल्लाह ने भी कहा इन्ना वाला मालो बिन नियत, हम लोग का दारो मदार नियतों पर। आप अपनी अच्छी नियत रखें, इंशाल्लाह बस खुदा जाने और वो सिला जाने, आप इसकी परवाह ना करें, बस आप अच्छे काम करते चले जाएं। और इसके साथ ही आज का प्रोग्राम ख़त्म करती हूँ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।